हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स इंडिया के अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2020 के लिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है इसका apprenticeshipindia.org, इस पे फ्रेंड्स यहां पर 4B एयर फोर्स स्टेशन कानपुर में आपके यहां पर जो अप्रेंटिसशिप है, अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल के थ्रू। अब यहां पर फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको नहीं पता है कैसे यहां पर इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस पोर्टल को कैसे यूज करते हैं, या फिर आप कैसे इसमें अपना प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं, तो इस अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसका वीडियो हम डिटेल वीडियो पहले ही बना चुके हैं। ऊपर आई सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स यहां पर शॉर्ट में मैं आपको जानकारी दूं इस चीज के लिए, तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है। आप इस रजिस्टर टैब पर कैंडिडेट के तौर पर रजिस्टर करते हैं और इसके लिए फ्रेंड्स आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे नाम, फादर नेम, उनसे रिलेशन क्या है आपका, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, और आप एक पासवर्ड जनरेट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और सबमिट करते हैं। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, साथ में आपके मेल आईडी पर एक एक्टिवेशन कोड जाता है, उसको आपको एक्टिव करना होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, मान लीजिए आप पहले पुराने वाले पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और आपको यहाँ पर इसमें आपको अप्लाई करने का या लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है। आपकी जो भी रजिस्टर मेल आईडी थी पुराने पोर्टल पर, आप उसका जो है यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद सेंड पासवर्ड रीसेट लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके उस रजिस्टर मेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, उसके बाद आप अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और नॉर्मली जैसे लॉगिन करते हैं वैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी और पासवर्ड जब आप यहां पर जनरेट कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, न्यू कैंडिडेट, पुराने कैंडिडेट पासवर्ड को रीजनरेट कर लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स वो यहां पर लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है और ये जो डैशबोर्ड है इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का। तो आपको आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी होती है। प्रोफाइल कंप्लीट करना जरूरी है क्योंकि जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है, सिर्फ आपके प्रोफाइल के बेसिस पर, जो प्रोफाइल में आप डिटेल फिल करेंगे उसके बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अप्लाई करेंगे वो इस एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगा और जो भी इन्विटेशन आपको रिसीव होगी वो इसमें आ जाएगा। तो आपने मान लीजिए जितने भी फॉर्म अपने अप्लाई कर रखे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमने फ्रेंड्स यहां पर 4BID एयरफोर्स स्टेशन कानपुर के लिए अप्लाई किया हुआ है 30/8/2020 को, आप चाहे तो यहां पर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है। तो आप यहां पर देख पाएंगे ऑलरेडी अप्लाइड आपको शो करेगा। अब यहां पर फ्रेंड्स क्या क्या इस वैकेंसी की डिटेल है, क्या आपको स्टीपेंड मिलेगा, उसकी जानकारी आपको सारी यहां पर मिल जाती है। अब फ्रेश कैंडिडेट आप हैं तो आप यहां पर इसको कैसे सर्च करेंगे, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पे जाकर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल सेक्शन की, तो आप प्रोफाइल पर क्रिएट करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो डिटेल्स हैं यहाँ पर, जैसे आपका अबाउट मी सेक्शन है तो आप इस एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका फ्रेंड्स जो भी प्रोफाइल है, आपके से जो भी डिटेल यहाँ पर मांगी जाएंगी उनको आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो एजुकेशन ऑप्शन होगा इसमें आप एड एजुकेशन करेंगे और अपनी 10th ITI ग्रेजुएट जो भी आपने किया हुआ है वो सभी डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। और डिटेल में हम बात कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, वहां पर जाकर आप चेक कर लीजिए। मैं इसमें आपको दोबारा से प्रोसेस बताऊंगा तो फ्रेंड्स ये वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता इसको लंबा करना, शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप पहले वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, सारी प्रोसेस मैंने आपको वहां पर बता दी है। आपको ये यहां पर प्रोफाइल अपना कंप्लीट करना है, प्रेफरेंस देनी है आप किस में प्रेफरेंस लेना चाहते हैं और उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने देखिए जो भी ऑनगोइंग अप्रेंटिसशिप के ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जैसे आज ही यहाँ पर लागू हुआ है 30/8/2020 को यहाँ पर डाला गया है एजुकेटिव इंजीनियर, इंजीनियर हांडिया में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप के लिए जो भी वैकेंसीज यहाँ पर निकलती हैं उनके लिए आपको लिस्ट मिल जाती है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जो एस्टेब्लिशमेंट का नाम है यहाँ पर आपको लिखना है एयरफोर्स। आप जब यहाँ पर एयरफोर्स लिखेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है जिसे सर्चिंग हो सके और आपको यहाँ पर देखिए 4BID एयरफोर्स स्टेशन कानपुर मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, इससे रिलेटेड 9 अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको शो करती हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन भी मिल जाएगा, इनकी डिटेल भी मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप व्यू कर सकते हैं, फीटर के लिए करना चाहते हैं व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के बाद इससे रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, लोकेशन क्या है, आपको कितना स्टिपेंड मिलेगा, कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो सभी
सभी डिटेल देखिए आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। आपको बस करना क्या है, आपको यहाँ पर जो ये अप्लाई का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। बस यहाँ पर आपका अप्लाई करने के बाद आपका ये फॉर्म जो है कम्प्लीटली अप्लाइड हो जाएगा और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली सिर्फ अप्लाई करने पर ही आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाता है। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोकेशन चूज करेंगे, एनी लोकेशन का एक ऑप्शन होता है, प्राइमरी का आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका अप्लाई का मैसेज मिल जाएगा, हम पहले ही अप्लाई कर चुके हैं इसलिए ऑलरेडी अप्लाई आपको ये शो कर रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो भी यहाँ प्रोफाइल है उसको आप चेक कर सकते हैं। बस फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी आपका प्रोफाइल है इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने आधार कार्ड को जो है अटैच कर लीजिएगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैंने आपको ये जानकारी प्रोवाइड की है अप्रेंटिसशिप पोर्टल के बारे में और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बाकी की ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।